अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एल्गोरिदम्स। ये 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को डिफाइन किस तरह किया जाता है। एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो एक तरीका देखा था वो फ्लो चार्ट था। इसी तरह एल्गोरिदम भी एक तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इसमें भी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है फ्लो चार्ट के निस्बत। फ्लो चार्ट में आप पिक्चरल फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, लेकिन इसमें आप हम नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, अ प्रॉब्लम फॉर प्रिपेयरिंग टी, इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमने चाय तैयार करनी है। उसके लिए जो स्टेप होने चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो एल्गोरिदम स्टार्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेक द कैटल। फिर हम कैटल लेंगे, सेकेंड स्टेप उसके बाद पोर वाटर इन इट, इस कैटल में पानी डालेंगे। थर्ड स्टेप है पुट द कैटल ऑन फायर, इसके बाद हम जो कैटल है उसको आग पर रखेंगे, चूल्हे, ठीक है, और उसको उबालेंगे, ठीक है। फिर आगे फिफ्थ फोर्थ स्टेप है ऐड शुगर एंड मिल्क, इसके बाद हम अपनी चाय की प्रिपरेशन के लिए उसमें चीनी और दूध डालेंगे। और अगला स्टेप है वेट टिल इट्स बॉयल, तब हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक चाय एक बार उबल नहीं जाती, और जैसे ही उबल जाएगी लास्ट स्टेप परफॉर्म होगा, रिमूव कैटल फ्रॉम द फायर, और आपके और एल्गोरिदम एंड हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है चाय बनाने का। इसी तरह हमारे एल्गोरिदम्स भी लिखे जाते हैं। नेक्स्ट जो बात डिस्कस करने वाली है वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय कंप्यूटर। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्मुलेट द एल्गोरिदम एंड ट्रांसलेट द एल्गोरिदम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबसे पहले तो हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है, ठीक है। तो इसे हम क्रिएट करते हैं और फिर अपने इस एल्गोरिदम को कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि कंप्यूटर को हमारे एल्गोरिदम को समझना आसान हो और वो टास्क परफॉर्म कर सके जो हमने एल्गोरिदम की सूरत में उसे दिए, ठीक है। यानी प्रॉब्लम का जो सलूशन हमने दिए वो टास्क परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहला रोल जो है वो ये है, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर। एक ऐसा शख्स जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये एल्गोरिदम, क्योंकि हम सॉल्यूशन किस तरह प्रोवाइड करते हैं स्टेप्स की फॉर्म में। अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक एल्गोरिदम में एक सॉल्यूशन की एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसके बारे में एक एक चीज़ बताई जाती है, जैसे कि वो उसका इनपुट क्या है, इनपुट कैसे इस्तेमाल होगा, फिर आउटपुट कैसा आएगा, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए उसे डिस्क्राइब किया जाता है। अब यहाँ पे जो एक डायग्राम दी गई है इसमें बताया गया है कि एक प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं, और किस तरह फिर कंप्यूटर मतलब हम उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की फॉर्म में सॉल्यूशन देते हैं, और फिर कंप्यूटर उस सॉल्यूशन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमें आएगी, हम प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको समझेंगे और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। आप सॉल्यूशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी प्रिपेयर करते हो और आप एल्गोरिदम की फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है, ताकि कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म कर सके अच्छी तरह से। आपको बस ये बात जहन में रखनी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने से पहले एल्गोरिथम का होना ज़रूरी है, इसके बगैर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना
मुश्किल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।